हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी और गार्डन ज्ञान में। दोस्तों, मैं आपको बताता रहता हूं कि आप अपने पौधों में गोबर की खाद ही डालें। उसका विशेष कारण है कि उससे हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो मैं उसी का कुछ रिज़ल्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी कुर्डी पर लेकर चलता हूँ। चलिए, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी कोड़ी देखिए आप। ये जो है आपके सामने, ये सारी मेरी कुर्डी पड़ी है और ये तैयार खाद इस तरफ है और थोड़ा कच्चा खाद वो उस तरफ है। तो दोस्तों, इसका क्या परिणाम आया है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये केंचुओं का खाया हुआ मिट्टी का अपशिष्ट है, अर्थात केंचुए इसको खाते रहते हैं और बाहर निकालते रहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि मेरी सारी की सारी ज़मीन पर ये इस प्रकार से हो रहा है। और मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये अभी ताज़ा बाहर निकला हुआ है। और यहाँ से आप देखना स्टार्ट करें, ये सारे जितने भी आपको ढेरियाँ दिखाई देंगी, ये सारी के सारी जो हैं ये केंचुओं का कमाल है। और इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो भूमि है, एक तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है, दूसरे के हमारी जो धरती है वो पोली हो जाती है, अर्थात नरम हो जाती है। ये देखिए आप, ये देखिए कितने सारे इन्होंने ये निकाल रखे हैं, अर्थात जहाँ भी ये निकला हुआ है उसके नीचे केंचुआ है। और केंचुआ जो है वो प्रकृति का हमको मिला हुआ वरदान है, अर्थात प्रकृति ने किसान को एक वरदान के रूप में केंचुए को पैदा कर रखा है। ये देखिए, जहाँ भी इस प्रकार से ये मिट्टी की आपको गोल गोल ये गोलियाँ सी दिखाई दें, ये सारा का सारा जो है केंचुए का किया हुआ है। और इधर भी देखिए, तो इसलिए दोस्तों अपने खेतों में या अपने जहाँ पर आप गार्डनिंग करते हैं, चाहे आपके पास टेरेस गार्डनिंग के लिए जगह उपलब्ध है या यदि आपके पास कोई प्लाट पड़ा है वहाँ पर आप गार्डनिंग करते हैं, तो आप गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, ये तीनों ही डालें। केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग प्रयास करके ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको यही दिखाना था। और यहाँ भी तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक प्रसन्न रहिए। सभी को नमस्ते जी।